नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रांची के ग्राम खराजन में अस्थायी रूप से स्थापित चना खरीदी केंद्र इन दिनों शंका के घेरे में है। नाम अपडेट अंतर्गत कार्य करने वाले एक सर्वेयर को कुछ किसानों की जागरूकता से 4000 की रिश्वत लेते नायाब तहसीलदार के माध्यम से रंगे हाथों पकड़ा गया है। खरीदी केंद्र पर आने वाले चने को सर्वेयर द्वारा खराब बताकर उसे बाद में अच्छा बताने हेतु परेशान किसानों से 100 प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली भी की जा रही है। किसानों का खुला आरोप है कि सर्वेयर खरीदी केंद्र पर कार्यरत सहकारी विपणन समिति के कर्मचारियों की मिलीभगत के बगैर यह वसूली नहीं कर सकते। जी, ये समस्या हमारे अनुभवी अधिकारी महोदय के पास बार बार आ रही थी, तो उन्होंने मुझे लगभग 3 से 4 दिन पहले बोला था कि किसानों की भैंस में जाके वहाँ पे पता करना है कि क्या चल रहा है। तो मैं 3 दिन से लगभग यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे कुछ किसानों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमसे ये सर्वेयर वगैरह पास करने के लिए पैसे ले रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमने एक किसान को ढूँढा और उस किसान के साथ मैं भी आया और एक सर्वेयर को 3000 रुपये लेते हुए अभी पकड़ा गया। सर, सर्वेयर अभी फिलहाल कहाँ है? एक सर्वेयर पकड़ा गया और उसके साथ का सर्वेयर जो पुष्पेंद्र कुमार है वो अभी भाग गया है, उसको अभी तलाश जा रही है। मौके पर सर आपने उनको पैसा देते रंगे हाथ पकड़ा? हाँ, रंगे हाथ पकड़ा है उनको देते हुए, और नोट नंबर भी हमारे पास है कि कौन कौन से नोट हमने उनको दिए थे, वो सभी हमारे पास रखा है। में चने की खरीदी चलती है मंडी में, खराजना मंडी में, जहाँ पर शिकायत आ रही थी कि जो सर्वेयर हैं, यह सर्वेयर किसानों से तुलाई करने हेतु पैसे लेते हैं, वो अपने दायित्व के बाहर जाकर किसानों को परेशान भी करते हैं। तो इसके लिए हमने जांच दल बनाया था, जिसमें एक नायब तहसीलदार हैं यहाँ के, राजेश भिंडे जी, वो किसानों की वेशभूषा में लगातार 3-4 दिन पूरे परिश्रम के साथ उस मंडी में लगे रहे। किसानों की वेशभूषा में पूरे सिस्टम को उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर एक दिन वो जो सर्वेयर है, जब उनकी ट्रॉली का नंबर आया, उसने उनसे 3000 रुपये की मांग की और नायब साहब ने वो 3000 रुपये भी, जब मांग की गई उसके बाद वो पेमेंट भी हो गया, तो फिर इसमें यह दोषी पाए गए। जब ये कार्रवाई सिद्ध हुई, कार्रवाई में जो नोट नायब साहब ने उन्हें दिए थे वो नोट का नंबर भी मिलान हो गया, और इस कार्रवाई में जो सर्वेयर थे जिनका दायित्व था कि किसानों से किसी भी कोई भ्रष्टाचार किए बिना खरीदी करना, वो पाए गए और उन्हें FIR की गई है उनके विरुद्ध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत।